नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। यूपी सरकार में माननीय अतुल गर्ग खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप और औषधि प्रशासन राज्य मंत्री है, जो गाजियाबाद से विधायक भी है। हमारे संवाददाता चंदन झा ने इनसे खास बातचीत की है, आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं चंदन कुमार, लाइव 24 में आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं माननीय अतुल गर्ग जी, जो गाजियाबाद शहर से विधायक भी हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं। इनसे मेरा पहला सवाल है, इनके पास जो डिपार्टमेंट है, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के बारे में इनसे जानते हैं कि आखिर इतना मतलब किस तरीके से उसको बेहतर तरीके से चलाते हैं। सर, पहला जो डिपार्टमेंट आपने मेंशन किया है, खाद्य एवं रसद, ये कैसे, इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, लोगों में किस तरीके से मतलब सही चीज़ प्रॉपर तरीके से पहुंचती है? देखिए, ये जो विभाग है ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक विभाग। इसमें आप उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता को राशन देते हैं, 16 करोड़ जनता को, शायद विश्व के अंदर सबसे बड़ा किसी एक प्रदेश के अंदर इतना बड़ा डिपार्टमेंट होगा। और इसमें आपको एक जानकारी दूँ मैं कि हमारी सरकार, योगी जी की सरकार आने के बाद, योगी जी के प्रयासों से 50 लाख से ज़्यादा नए लोगों के राशन कार्ड बनवाए। अगर 3.5 या 4 करोड़ लोगों में 50 लाख के कार्ड नए बने हों तो आप उससे लगा लीजिए कि अभी तक इन लोगों के कार्ड क्यों नहीं बने थे। और 40 लाख कार्ड कटे गए, इसका मतलब कम से कम 40 लाख लोगों का राशन कौन खा रहा था अभी तक। और ये प्रक्रिया अभी भी सतत चल रही है, निरंतर चल रही है, मतलब बार बार हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मतलब आप लोग क्यूएस हो करके उसको जो है, जो उसमें चीज़ें थी, फॉल्टी थी चीज़ें, उसको आप लोग हटा रहे हैं। ये केवल एक पहला मैंने आपको पड़ाव बताया। दूसरा पड़ाव ये कि जब राशन कार्ड जिनके बन भी गए उनको दुकानदार भगा देते, अधिकारी या दुकानदारों का एक बहुत बड़ा नेक्सस था कि जो राशन को बाजार में बेचता था। अब इतना ज़्यादा सख्ती हो गई है कि कोई आदमी में अगर 5 नाम भी दे दे जिनको राशन नहीं मिला है और वो राशन के दुकानदार ने अगर इशू कर रखा है उनके नाम पर, तो उस पर FIR। बहुत अच्छी जानकारी दी। दूसरा डिपार्टमेंट है सर आपका नागरिक आपूर्ति, जो इससे मिलता जुलता है, ठीक है, एक पार्ट है वो नागरिक आपूर्ति। मैंने राशन की बात करी तो उसी की बात करी। आपूर्ति में तो सर सभी चीज़ आ जाए, गैस सिलेंडर्स वगैरह, इसके अंदर जो हमारे विभाग ने ओन कर रखा है, इसके अंदर जो गैस सिलेंडर है उसका इंस्पेक्शन हम करते हैं, आपूर्ति करता है पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार का है, लेकिन उसकी चेकिंग का काम हमारे पास है। और 3000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ FIR अभी तक हमारा विभाग कर चुका है, जेल भेज चुका है। तो अब आप सोचो कि भ्रष्टाचार किस हद तक था और कितना कंट्रोल किया, खुद योगी जी इसको खुद इसे मॉनिटर करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है अब मेरी विभाग का, गेहूं की खरीद, धान की खरीद। आश्चर्यजनक रूप से मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहूँगा कि 300 लाख टन का, 325 लाख टन का उत्पादन उत्तर प्रदेश में है गेहूँ का। अखिलेश सरकार ने केवल 8 लाख टन गेहूँ खरीदा, कितना, 8 लाख टन, 30 लाख टन। 30 लाख टन तो 2 महीने बाद ही खरीद दिया था, हमारी सरकार मार्च में आई थी, मई 30 मई तक 2017 में हमारी सरकार ने 37 लाख टन गेहूँ खरीदा और अब की बार ये आंकड़ा 54 लाख टन तक पहुँचा और अभी भी बहुत कम है। यदि आप हरियाणा और पंजाब की हम तुलना करें तो वहाँ पर जो गेहूँ की खरीद है वो उत्पादन का 97% है और हम जो है अखिलेश सरकार में ये 3% था और हम 17% तक अभी पहुँचे हैं। 97% पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन क्या लगता है कितना वक्त लग जाएगा आपको खरीद के 90% तक पहुँचने में, या 97% वहाँ पर इसीलिए है, ये अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि हमारे उत्तर प्रदेश का गेहूँ वहाँ के लोग जाके बेचते रहे क्योंकि हमारी सरकार की कमी थी। अब जैसे जैसे हम खरीदना शुरू करेंगे उनकी परसेंटेज कम हो जाएगी, हमारी परसेंटेज बढ़ेगी, तो 40% 50% पे भी हम पहुंच जाएंगे तो आपूर्ति पूरी होगी। किराया नियंत्रण है, इसमें किराया में सर सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है, चाहे बस का किराया हो, ऑटो का किराया हो, या फिर फ्लैट्स अगर बड़े शहरों में या छोटे शहरों में अपन लेते हैं,
इसका नियंत्रण पे क्या मतलब क्या सिस्टम बना हुआ है जो लोगों को नहीं मालूम है? ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक विभाग अब नहीं रहे हैं। किसी ज़माने में जब मकानों की शॉर्टेज हुआ करती थी तो उन मकानों के लिए किराया के नियंत्रण के बहुत सारे नियम कानून बनाए गए और कोई मकान खाली ना रह जाए, कोई केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मकान ना दे, इस तरह के नियम। अब मकान इतने ज़्यादा बन रहे हैं कि अब उस इस कानून के अंदर परिवर्तन की आवश्यकता, उस पर विचार चल रहा है। कॉल का भी है आपके पास बाट माप का, ठीक है? सर, बहुत देखा जाता है कि कम वजन देकर के ज़्यादा उसमें मेंशन किया जा रहा है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके खिलाफ मतलब जो लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के? एक भी चेकिंग, एक भी शिकायत ऐसी नहीं है कि जिस पर कार्रवाई ना हो। नोटिस है, ये आपके चैनल के, आपका बड़ा मशहूर चैनल है, इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, इसके अंदर व्यापारियों का शोषण भी बहुत हो रहा था पिछले दिन। अब इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं, पुराने ज़माने में लोहे के बट्टे होते थे या तराजू हाथ वाली होती थी या मैकेनिकल तराजू हुआ करती थी, तो उनकी रिपेयर के नाम पर बहुत बड़ा एक रैकेट था। उसे समाप्त करने के लिए हमने ये नियम बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति अप्लाई करके बांट माप रिपेयर करने का लाइसेंस हमसे ले सकता है, ठीक है? और एक जो ये रहा इनके मंत्रालय के बारे में, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी दी, और इसके बाद का जो सवाल होगा वो होगा सर खालिस राजनीति के ऊपर, ठीक है? अभी जो पूरे देश में अगले 6 महीने तक चुनाव का मेला है, महामेला के लिए जो भी कह सकते हैं कहिए, और अभी जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान जो बड़े राज्य हैं वहाँ पे भाजपा की सरकार है, आपकी सरकार है, क्या लगता है चुनाव के बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगी, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, सरकार बीजेपी की बनेगी या फिर उसमें कुछ लोग बाहर से आएंगे सरकार बनाने के, दूसरी पार्टियों से भी जोड़? देखिए, ये संगठन से संबंधित विषय है, इसको मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। हर आदमी को हर विषय पर बोलने की अनुशासन नहीं है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ पर गरीबों के लिए संवेदना भी है और सेवा के माध्यम को राजनीति समझा जाता है, ना कि राजनीति को राज्य करने के लिए कोई साधन समझा जाए राजनीति। तो उसका असर आप देख ही रहे हैं कि 3 दफ़े रमन सिंह सरकार आ चुकी, 3 दफ़े शिवराज जी की सरकार आ चुकी, और जो अभी सर्वे आए हैं कल परसों में वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, तो ये सब उसका द्योतक है। जो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आप लोगों को जीत मिली, बहुत अप्रत्याशित जीत, मतलब विपक्ष पूरी तरीके से साफ ही हो चुका, सूपड़ा साफ होने की स्थिति में है, और अभी लेकिन उत्तर प्रदेश से मायावती जो है छत्तीसगढ़ में जाकर के जोगी जी के साथ, अजीत जोगी के साथ गठबंधन करेंगे, ठीक है? क्या लगता है 2019 में आएंगी एनडीए की तरफ? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि इस समय धीरे धीरे भारत के अंदर जात बिरादरी के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जो राजनीतिक अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ है। किसी पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था इनके पास में कोई राजनीतिक सोच नहीं है, सत्ता को कब्जाने के लिए ये सिर्फ जात बरादरी की बात करके भड़का करके लोगों को, ये लोग सत्ता में जो लोग आए हैं उन सबके अस्तित्व को खतरा है। तो ये है हमारे साथ माननीय अतुल गर्ग जी, इनके पास समय की कमी है इसलिए हम अपने इंटरव्यू को यहीं विराम देते हैं, लेकिन अगली बार वापस इनके पास आएंगे नए सवालों के साथ और नए जो जवाब इन्होंने दिए हैं वो कितने खरे उतरते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए लाइव 24 के साथ।